फेरी वालों की समस्याएं सुनने के लिए आए हुए हैं और साथ ही साथ इस शहर में जो अभी ये चुनाव का बिगुल बज चुका है, हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से मुजफ्फर हुसैन साहब की जो उम्मीदवारी जाहिर कर चुके हैं, हमने उनको समर्थन देने का वादा किया है, बशर्ते वो हमारे फेरी वालों के हित का ध्यान रखेंगे। और उन्होंने वादा किया, उन्होंने बोला कि आपका फेरी वाला वर्ग जो है उनको पुरजोर बचाने की कोशिश हम आने वाले दिनों में करेंगे। और उन्होंने हमसे वादा करके बोला कि आपकी मीटिंग बुलाइए और लोगों के अंदर जो डर पैदा है, लोगों के अंदर जो दहशत फैली हुई है, उस दहशत को कमजोर करने का काम या मिटाने का काम जो है ये हमारे साथ करेंगे। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आपके बीच में जो दो शब्द है वो रखें और आपके लिए जो भी विचार है रहेंगे, कृति कार्यक्रम रहेगी, जो भी पॉलिसी रहेगी वो अपनाने के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। हम उनसे मदद के साथ में उनसे गुजारिश करेंगे कि दो शब्द जो है आपके बीच में रखें। माननीय श्री मुजफ्फर हुसैन साहब, यहाँ उपस्थित सभी जनमान्य व्यक्तिगण और मेरे हॉकर्स के सभी साथीदार, मीरा भयंदर महानगर पालिका के माध्यम से जो भी कार्रवाई की जा रही है, एक हॉकर्स को शहर से उखाड़ के फेंकने का काम किया जा रहा है, दूसरा मार्केट बनाने के नाम पर जो सालों साल से इस शहर में हॉकर हैं उनको उस मार्केट में जगह नहीं देते हुए नए लोगों को वहां जगह देने का काम किया जा रहा है। सावन साहब ने बताया केंद्र की यूपीए 2 कांग्रेस के सरकार के राज में हॉकर्स को प्रोटेक्शन का एक बिल पास हुआ, उस बिल का पालन महानगर पालिका ने करना चाहिए। उसमें क्या है उस बिल में कि कई सालों से उसके पर्टिकुलर साल दिए हुए हैं कि कितने साल से जो हॉकर्स हैं उनकी यादी बनाई जाए, उनके कागज पत्र लिया जाए और उनको वहां पे मुकामी परमानेंट किया जाए हॉकर्स। अब वो महापालिका जिस तरह हम लोग सत्ता में थे तो ये निश्चित करते थे कि किस रास्ते पे हॉकर्स होना चाहिए, किस रास्ते पे हॉकर्स नहीं होना चाहिए। अब तो ये हाल है शहर के अंदर कि जहां कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए वहां हॉकर्स बैठते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए वो हॉकर बैठते हैं, जो सालों साल से इस शहर में रहते हैं, जो सालों साल से इस शहर में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं हॉकर्स का काम करके, उनको बेदखल करने का काम इस महानगर पालिका के प्रशासन से और इस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे सावन साहब ने भी और गुप्ता जी ने भी ये सारी समस्या बताई है और हमको तो ये समस्या पता है। मैं आपको ये आश्वासित करना चाहता हूं कि हम सावन साहब सब लोग यहां मौजूद सब लोग आयुक्त से मिलेंगे और मिल करके ये हॉकर्स को उस मार्केट में बिठाने का क्या नियमावली उन्होंने बनाया है कि किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है, इसका अधिकार किसको दिया गया है, इन तमाम बातों के ऊपर उनसे चर्चा करके जो कायदे से है, जो नियम से है और जो आपके हक का है वो आपको हक दिलाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। कल ही हम जो है आयुक्त से सवाल लेंगे और कल ही हम उन लोगों को मिलेंगे और आपकी सारी समस्याओं को वहां पे चर्चा करेंगे। और नियम से हम ये नहीं कहते, ना सावन साहब ये कहते हैं कि नियम को बाजू में रखो, ना आप लोगों कहोगे कि कायदे कानून को नियम को बाजू में रखो। कायदे से जो भी करना है वो करने के लिए पूरी मदद हमारे तरफ से आप लोगों को रहेगी। धन्यवाद।